बाद में टायर भी चेंज हो रखे हैं, टायर का बाद में बंपर में कितनी दिक्कत के करवाना पड़ा था भाई। भाई बंपर में तार बंधवाने पड़े, आगे खिंचवाना पड़ा। अच्छा, थोड़ा बंपर कटवाया भी है। तो प्यो एन वाला क्लासिक में लेनी पड़े तो कौन सी ले भाई आप? भाई मैं तो क्लासिक ही लूंगा। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं स्कॉर्पियो क्लासिक 22 इंची अलॉय के साथ में। ये इसका 2020 डीजल मॉडल, और ये मिलते हैं इनके कार ओनर से भाई, कार ओनर अजय ढांडा भाई। स्वागत है आपका हमारे चैनल भाई। मनदीप भाई, तो भाई आपने स्कॉर्पियो ली, पहले तो ये बताओ कितने की ऑन रोड पड़ गई थी 2020? साढ़े 17 लाख की पड़ी थी। 17.5 लाख की, उसके बाद में 22 इंची अलॉय डलवाए, तो इसका क्या प्लान था? कुछ नहीं भाई, बस शौक में डलवा ली। शौक में डलवाए, और कितने के पड़े थे भाई? ये पड़े थे भाई 2.5 लाख के। 2.5 लाख टायर और व्हील। हाँ, टायर और व्हील। और कौन सी कंपनी के भाई? ये क्रोम में है, बस वेनिस है। अच्छा, कंपनी कुछ नहीं, इंपोर्टेड माल है सारा। अच्छा। हाँ। और क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई भाई गाड़ी? कोई गारंटी पर कुछ नहीं, सीट कवर अंदर जो है अगर। अच्छा। हाँ। तो भाई क्या जी चीज है ये अलॉय व्हील? लेते ही डलवा लिए थे या थोड़ा बहुत? हाँ, लेते ही डलवा लिए भाई। तो थोड़ा बहुत चेक नहीं किया था पहले? सिंपल वो जो अलॉय आते हैं साली थी 2-4 हज़ार उनमें भी। अच्छा, फिर शौक था तो शौक में डलवा लिए। तो कंफर्ट कितना वो रहा होगा? कंफर्ट कुछ नहीं रहा भाई, बस शौक शौक की है, दिखने की रहा। अच्छा, कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। और माइलेज पे? माइलेज भाई पूरा असर है भाई, 10-11 की दे हुआ है। और पहले कितने? 16 दे दिया अर्दी। पहले 15-16 दिया करती थी, अब 10-11 देती है। और कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो न्यू है जो 4 लाइन फंस गया वाना। हाँ। उस पर तो ठीक चल रहा है। हाँ। खड्डे में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत? खड्डे में दिक्कत। खड्डे में थोड़ा रिस्क तो रहता होगा। हाँ। भाई कभी टूट काट जाए ना, टूटने का कोई नहीं, हैंडल बबलिंग ज्यादा मारने लग गया। अच्छा, और एक तो इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं है बिल्कुल स्कॉर्पियो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड्डू लगनी है। हाँ, तो इसमें टॉप स्पीड कितने की चेक की है भाई? आपने 170 बजाई थी पतले टायरा में। अच्छा। हाँ। इसमें नहीं टेस्ट करी? इसमें कोई टेस्ट नहीं करा। अच्छा, तो इसमें कितने चलाते हो? इसमें मैंने तो 100-120-130 भी बजा रखी है। उसके बाद में स्टेबिलिटी? ना उसमें कोई नहीं, जीरो स्टेबिलिटी भाई। अच्छा, और भाई लाइटिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कराई? ना कुछ नहीं कराया भाई, गल्ले बढ़िया हैं। अच्छा, ब्रेक कैसे हैं भाई गाड़ी? ब्रेक एक नंबर। उसके बाद में अलॉय डलवाने के बाद में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया लग। और गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी भाई? फ्रंट की विजिबिलिटी तो कमाल है। और अट्रैक्शन कितना रहता है भाई? अच्छा, उन्हें खातर डलवाए थे। अच्छा, अट्रैक्शन काफी लोग पब्लिक में क्रेज सा रहता है, मुड़ मुड़ के देखें जैसे इसको। मुड़ मुड़ के देखें भाई। और भाई ब्लैक कलर लिया, इसके ऊपर कोई पीपी जो भी अट्रैक्शन का रोला था भाई, पीपीएफ वगैरह इसकी सेफ्टी के लिए भाई? ना कुछ नहीं करवाया, सिंपल है। सिंपल तो भाई देख लो भाई, कुछ कोई पीपीएफ वगैरह कुछ भी नहीं करा रखे, बाकी तो कंपनी टच है गाड़ी। बस बाहर तो थोड़ा बहुत वो करा है, बाकी सीट कवर ये तो सारे लगवाए। अच्छा हाँ, वो तो। और भाई आप कितनी लंबी ट्रिप पर लेके जा चुके अभी इसने? भाई हम ले गए इसने 1100 किलोमीटर, एक वो लंबी ट्रिप थी। हाँ। तो उसमें माइलेज है 4 बढ़िया। अच्छा, 4? हाँ। बाकी 5-6 बंदे हो तो? 5-6 बंदे में तो कौन एडजस्ट होगा। अच्छा, 4 बंदे ठीक। मैं तो एडल्ट तो जिस तरह 4 चलेंगे, कैप्टन सीट में अपनी 4 ही बंदे जाए, 4 कंफर्टेबल है, बाकी तो फिर तंग आएगा। तो फिर उसमें 4 बंदे में बैठने के बाद में भाई कंफर्ट वगैरह? कंफर्ट बढ़िया है। पहले लगाई थी ट्रिप या अलॉय के बाद? अलॉय के बाद लगाई है। अच्छा। हाँ। तो उसमें वो तो 4 लाइन था ना दूर की? अच्छा, अपना 4 लाइन में था तब कोई दिक्कत नहीं आई? बढ़िया जावा, जो मैं जोटे की दरिया बसदा जाए सब। अच्छा। और भाई मेंटेनेंस कितनी गाड़ी की? मेंटेनेंस कुछ भी नहीं भाई, हम तो सर्विस करावा 50-1000 चल पड़ी। अच्छा। हाँ, 3-4 हज़ार रुपये सर्विस हो जाए। 3-4 हज़ार रुपये सर्विस है। और भाई अलॉय में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई आज ले? ना अलॉय में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ना कभी पानी खराब है इनका। अच्छा, क्रोम उतरने लायक जी है। अच्छा। हाँ। तो उस क्रोम का वो फिर दूसरे डलवा लेते भाई, वो आज के लिए दूसरा भी द्वारा है भाई, 2.5 साल हो गए डलवाए, पहला जब इन्हें का क्रेज था। अच्छा, तो ये डलवाए थे। अच्छा, ये आपने लगा जो उसको क्यों है ना, ये चेंज करनी थी आपने वो? ना 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 ना, कौन लगा? और व्हील मांगी ना, फोर व्हील दे हुए है बेशक, उसका लुक ला कर मतलब अपना जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना। हाँ। कोनियन की, कोनियन ने भी दाब दे आई भी। अच्छा, और नई स्कॉर्पियो क्लासिक चलाई ना दाब दे भाई। अच्छा। मेरे जानकार ले रहे हैं दाब दिया। और भाई नई स्कॉर्पियो क्लासिक चला के देखी थी? हाँ, नई क्लासिक भी देखी। तो उसमें इसमें कितना फर्क है? ठीक चल रहा भाई, बढ़िया चल रहा भाई, थोड़ा इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रखी है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है चाल में। हाँ, और भाई स्कॉर्पियो के झोल, बॉडी रोल? झोल तो भाई है इसमें, झोला मावे। अच्छा। हाँ। तो भाई बढ़िया फीलिंग तो नहीं मावे। अच्छा, तो एक बार भाई साइड में से दिखा देते कंप्लीट लुक, ये भाई कुछ ऐसी लुक है जोटे की। लाइट का थ्रो कैसा रहो भाई रात में?
भाई एक नंबर जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं लाइट ना, में ना, और एसी कैसा भाई गाड़ी का? एसी चिल्ड है, जमा बढ़िया बढ़िया जमा। थोड़ी काली होगी गर्मियां में, टाइम तो ले लेगी। अच्छा हां, धूप में खड़ी करा तो हां फर्क रह जाए थोड़ा, नहीं बाकी एसी बढ़िया जमा एक नंबर। अच्छा, और भाई टायर वगैरह सब कुछ चेंज करवा के 2.5 लाख की पड़ी थी? हां 2.5 लाख के व्हीलर टायर अपने। अच्छा, और टॉप मॉडल है भाई? टॉप मॉडल है, एसी लेवल। हां भाई, और भाई केबिन नॉइस भाई है, हल्की फुल्की है, है और बाकी इतनी ज्यादा को नहीं मतलब। अच्छा, और म्यूजिक क्वालिटी कैसी भाई? ना म्यूजिक क्वालिटी को नहीं भाई, जमाई लो है। और एक चीज और भी इसमें, बेस ट्यूब वर रखवा रखी थी, घर तार के रखी है, अच्छा अंडे लगवा ली थी वो तो। अच्छा, और स्कॉर्पियो में एक चीज हो रहा है, बोतल भी कौन मिलता है? हाँ, कुछ नहीं, सुविधा का नाम पता जीरो है। हाँ, और गाड़ी के प्लास्टिक क्वालिटी भाई यह भी ठीक ठाक है। एक भाई इसमें सेफ्टी भी कौन था? दो सेफ्टी भी कौन? हाँ, तो जायज बात है। और स्कॉर्पियो लेने से पहले भाई कोई और गाड़ी देखी थी? और क्रेटा का मन था। अच्छा, इसकी रोड पर जाए थोड़ी अच्छी थी। अच्छा, पीछे इतने लागे थे लगभग। हाँ, तो इस करके फिर स्कॉर्पियो ले ली भाई। और एक भाई सेफ्टी का थोड़ा वो मन में नहीं रहा है तो मन में, लेकिन फिर भी नो इसका उड़ बहुत लंबा है भैया। हाँ भाई देख सको, प्रॉपर उस कोने से लेके उस कोने तक का बिल्कुल साफ दिखा। जो इसमें गाड़ी में मैंने फॉर्च्यूनर भी मतलब ड्राइव करी, कुछ वो नहीं इसका मुकाबला। अच्छा, और इसका फॉर्च्यूनर से ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंपेयर करे तो भाई हमने तो यह बढ़िया लगी। अच्छा, जो नई फॉर्च्यूनर है, जो नए मॉडल लीजेंडर वाला, दो पीछे ही कोनी पुरानीया भी रंग चलाई कोनी। और पिकअप किस है भाई गाड़ी का? पिकअप भाई वो तो है बढ़िया। हाँ, पतले टायर में दोरी अपने तो फिर चौड़े हो गए। हां, इसमें तो ठीक ठाक है। इसके बाद मेरा पिकअप बिल्कुल। अच्छा, एक भाई अलॉय लेने के बाद, दलवाने के बाद में थोड़ा बहुत की कंपनी का कुछ रहा था? ना अपने तो कोई इशू नहीं है। 22 इंच अलॉय के बाद में टायर भी चेंज हो रखे हैं। टायर के बाद में बंपर में कितने की दिक्कत के करवाना पड़े था भाई? बंपर में तार बंधवाने पड़े, आगे खिंचवाना पड़े। अच्छा, थोड़ा बंपर कटवाया भी है, कटवाया भी है थोड़ा बहुत बंपर। और भाई बंपर देख सको कटवा रखा भाई ने, और तार वहां पर पूरे बंधवा रखे है। और भाई 3-4 जने बैठने के बाद में हाँ लाग जी भाई, उसके बाद में आराम तो लाग गया। और ज्यादा खद किया हो तो हाँ जब भी लाग जी। अच्छा, और कितने दिन में मिल गई थी भाई गाड़ी? छोटे मोटे खड़े देखने की जरूरत को नहीं, ये घसरे रहे इनके तरह पटे रहे होंडा सिटी के या टेंशन कौन होती भाई। अच्छा, एसयूवी लेने के बाद में थोड़ा अजू करकड़िया बाहर भीतर जा रहे तो कॉन्फिडेंस दे आदमी ने टपा दे कड़िया कहीं से निकाल लो। और भाई एक आप जैसे क्रेटा साइड में जाते तो सनरूफ वगैरह काफी ज्यादा फीचर, एडवांस फीचर मिलते? हाँ, फीचर तो हैं थोड़े। हाँ, तो इसमें जमाई फीचर को नहीं? हाँ, इसमें फीचर को नहीं, पर भाई वह था नाम स्कॉर्पियो अपना तो ट्रेंड में आए चाहिए। हाँ, आज भी चल रही है। हाँ, स्कॉर्पियो बजीज करके ना। हाँ, बाकी संतुष्ट है भाई। अच्छा, नाम भी तो काफी हो गया। हाँ, फॉर्च्यूनर ना दाब दे भाई, देख ले बराबर में फॉर्च्यूनर खड़ी कर ले अपने। हाँ, इस गाड़ी के दब जाएगी फॉर्च्यूनर वाले हटा लिया हम तो भाई। और एक भाई रेन में बारिश बुरिश में चलाई थी गाड़ी? हाँ चलाई भाई, बारिश में वाइपर वगैरह कैसे? ना बढ़िया है जमा सारा, कोई दिक्कत नहीं? डीप फॉगर वगैरह ऑटो सोता सारा? अच्छा, वाइपर और धुंध वगैरह में? धुंध में भी चलाई है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाड़ी में कोई ऐसी चीज लगी भाई जिस या कमी लगी मतलब भाई गाड़ी? गाड़ी में कमी भाई बिल्कुल थोड़ी, एक तो फीचर की कमी मान लो। हाँ, थोड़े ऐड करने चाहिए। हाँ, इलेवन जो क्लासिक दे उसका जो मैंने नाश मार दिया फीचर, मतलब उसमें क्वालिटी में ही फर्क आ गया। क्वालिटी में ही फर्क है, बैक कैमरे वगैरह सारी ये चीज खाएगी कंपनी। हाँ, और एक बोतल होल्डर को नहीं इसमें। हाँ, ये चोट मोट सी लग गया हमने तो ये। हाँ, पर देख सको भाई इतना बड़ा स्पेस दे दिया लेकिन बोतल होल्डर नहीं दिया इतनी बड़ी गाड़ी में। और कंपनी रिलेटेड भी कोई इसमें कमी नहीं है, बाकी सारा सौदा ओके। हमने तो स्वाद है। और भाई बच्चा बच्चा जाना अपनी तो जींद में गाड़ी ने, पुलिस वाले भी जाना है बच्चा बच्चा। और भाई अच्छाई और बता दो भाई एक दो जो मेन अच्छाई है स्कॉर्पियो की।
बस छाई नू है, एक तो मेंटेनेंस कम है। अच्छा, मतलब लोग पहला हुआ बना रखे था भाई, नू है तो बड़े गाड़ी है। हाँ, बड़ी गाड़ी के साथ में तेल तो देखो आप व्हील वाल पुआ रहे हैं। हाँ, तो पतले टायर में एवरेज भी बढ़िया देवे। हाँ, 15-16 की भी देवे। 15-16 तो भाई हेड बड़ी गाड़ी खतर। 15-16 की एवरेज, एक मेंटेनेंस को नहीं, जीरो ही हाज लग मान के चल। सर्विस तो रूटीन में करानी पड़ा देंगे। हाँ, बाकी जीरो होगा, बाकी कोई दिक्कत कुछ नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, ना कि मैं हल्दा पल्दा बस। अच्छा, गदड़ गदड़ चलाई जाओ। हाँ। और बोर्ड बाहर तक क्वालिटी कैसी लगी भाई इसकी? बाहर तो ठीक है, बढ़िया है थोड़ी हल्दी है। अच्छा, बाकी कोई फर्क नहीं है, स्मूथ नहीं है, बस स्मूथ है, ड्राइव में स्मूथ है, जो क्रेटा नहीं स्मूथ चला। हाँ। नू उससे थोड़ी मिलती जुलती है या थोड़ी हार्ड चले उससे। अच्छा, और भाई बाकी उसमें कोई मजा नहीं भाई। घर वाला का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? घर वाला का तो एक्सपीरियंस ठीक है, सर्विस तो मना ही कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ी जिद करनी पड़ा है और अलोया। अच्छा, तो बाकी कोई दिक्कत को नहीं, घर वाले भी अपने ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली सी बात आई कोई? और भाई को लेना चाहो तो की कहना चाहोगे? स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ले लो भाई, या पुरानी बाइक रख भाई, जो नई क्लासिक है। 11 भी ले सके, कोई दिक्कत नहीं, जमा कम खर्चा ही गाड़ी है। और नहीं तो फिर भाई ले लो, जिन्हें लेनी है, वेटिंग बहुत ज्यादा है। आपको नु कह दे कि क्लासिक भी बढ़िया, बाकी थोड़ी बहुत क्वालिटी है, बाकी ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है, इंडी गाड़ी है। अगर स्कॉर्पियो एन और क्लासिक में लेनी पड़े तो कौन सी ले भाई आप? भाई मैं तो क्लासिक ही लूंगा। क्लासिक, हां हां, थोड़ा लुक वगैरह के उसमें देख के। बड़े भी को नहीं है इनकी मार्केट गारंटी है भाई, इतनी मार्केट। अच्छा। जितनी इसकी। तो भाई यू था स्कॉर्पियो क्लासिक का रिव्यू, बढ़िया लगा तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो।